आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म सुपर क्रिस्पी क्रंची, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, यानी जो स्ट्रीट स्टाइल होता है बिल्कुल वैसा गोभी मंचूरियन, जो ऊपर से एकदम सुपर क्रिस्पी क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगा। गोभी का मौसम हो और गोभी मंचूरियन ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे आसान और सबसे पॉपुलर। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबसे सीक्रेट और बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स, परफेक्ट रेशो, परफेक्ट मेजरमेंट और वो सारे सीक्रेट टिप्स। तो वीडियो को पूरा वॉच करें और घर में ही मजा लें गोभी मंचूरियन यानी कॉलीफ्लावर मंचूरियन का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेस्टोरेंट स्टाइल डिलीशियस यमी गोभी मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर। अभी तो सीजन है, खूब आ रहा है भर भर के। तो फूल गोभी मैंने लगभग यहाँ मीडियम साइज का लिया और उसके ना फूल अलग कर लिए। नीचे से जो मोटा डंठल होता है वो हटा दीजिए, इस तरह के मीडियम साइज के फूल तोड़ लीजिए। अब यहाँ देखिए कुछ स्टेप्स आपको ना प्रॉपर फॉलो करने होंगे। एक बड़े बर्तन में लगभग 1 लीटर के करीब आप पानी ले लीजिए। मीडियम फ्लेम पर पानी को गर्म होने देंगे और यहीं पर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच नमक। नमक इस स्टेज पर डालना बहुत जरूरी है। और बढ़िया गर्म पानी में हम सारा फूल गोभी जो भी हमने काट के रखा ना, सारा इसमें हम डाल देंगे और सिर्फ 2 मिनट हाई फ्लेम पर फूल गोभी को उबालेंगे। मतलब ऐसे समझ लीजिए सिर्फ 60-65% तक ही हमें गोभी को पकाना है। हल्का सा बस सॉफ्ट हो जाए, हल्की नरमाई आ जाए, बस इससे ज्यादा बिल्कुल भी गोभी को हमें नहीं पकाना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जब आप गोभी मंचूरियन खाएंगे तो वो ऊपर से तो रहेगा क्रिस्पी, अंदर हल्का सॉफ्ट बन रहेगा उसमें, जिससे खाने में आपको मजा आएगा। तो बस हाई फ्लेम पर 2 मिनट उबाल लीजिए और ये लीजिए 2 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं गोभी में आ गया है बढ़िया से उबाल, हल्की सी गोभी नरम भी हो गई है। तो बस इस स्टेज पर हम कर देंगे गैस को बंद और सारा गोभी हम इस तरह से निकाल लेंगे, एक छलनी से पानी सब हटा देंगे और कुछ देर ठंडा होने के लिए इसी तरह रख देंगे। चलिए रेसिपी तो हमारी बनी रही है। हम सब लेडीज का ज्यादातर समय किचन में कुकिंग और उसकी सफाई में निकल जाता है। अब किचन तो साफ हम कर भी लेते हैं लेकिन गैस स्टोव इतना गंदा होता है, उसे कितना भी बढ़िया से साफ करने की कोशिश करें कुछ ना कुछ गंदा रह ही जाता है। तो हम सभी चाहते हैं एक ऐसा गैस स्टोव जिसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस दोनों ही आसान हो। तो लीजिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है प्रेस्टीज ने। प्रेस्टीज लाया है इंडिया का पहला गैस स्टोव विद लिफ्टेबल बर्नर, प्रेस्टीज स्वच्छ गैस स्टोव। बस लिफ्ट कीजिए और क्लीन कीजिए, है ना कितना आसान, ये देखिए। यानी आप खाना बनाते वक्त कुछ भी गिर जाए या गंदा हो जाए तो उसको आप आसानी से उठाकर साफ कर सकते हैं। प्रेस्टीज स्विच गैस स्टोव अवेलेबल है 2, 3 और 4 बर्नर ऑप्शन में। ये 3 बर्नर गैस स्टोव है। अच्छा, खास बात यह है कि इसके बर्नर किसी भी साइज के बर्तन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, यानी हर यूटेंसिल को ये सूट करता है। ज्यादा बड़े बर्तन में खाना पकाना हो तो भी ये स्टोव ना तो हिलेगा ना वाइब्रेट होगा, ये देखिए, मतलब स्टडी पैन सपोर्ट। नॉर्मली 3 बर्नर वाले जो स्टोव होते हैं उनमें बर्नर के बीच की स्पेस बहुत कम होती है, लेकिन प्रेस्टीज स्वच्छ गैस स्टोव में बर्नर के बीच में ज्यादा स्पेस दी गई है, जिससे तीनों बर्नर पर हम एक साथ काम कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। क्वालिटी वाइज भी प्रेस्टीज स्वच्छ गैस स्टोव सुपीरियर और प्रीमियम है। इसमें परफेक्ट ग्रिप नॉब्स हैं, 8mm थिक सुपीरियर टफेंड ग्लास टॉप है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और देखने में भी बहुत सुंदर है। हैवी फर्म बॉडी विथ 5 ईयर वारंटी, बस तो और क्या चाहिए। अब जैसे किसी नॉर्मल गैस स्टोव पर जब हम दूध उबालते हैं तो जैसे ये देखिए उसके सारे पार्ट्स गंदे हो जाते हैं, अब एक एक को हटाकर बहुत देर हमें उन्हें क्लीन करना पड़ता है। लेकिन जब प्रेस्टीज स्वच्छ गैस स्टोव पर दूध या कोई भी चीज गिर जाती है तो आप सिर्फ बर्नर को लिफ्ट कीजिए और इजीली क्लीन कर लीजिए और इसमें बढ़िया शाइन भी आ जाती है, एक ही बार में क्लीन हो जाता है। तो आप भी अगर किचन अपग्रेड करने की सोच रहे हैं या नया गैस स्टोव खरीदना चाहते हैं तो आप प्रेस्टीज स्वच्छ गैस स्टोव को कंसीडर कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए अपनी रेसिपी को चेक कर लेते हैं। मंचूरियन का घोल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे मैदा। तो मैदा जो मैं यहाँ ले रही हूँ इस वाले बड़े चम्मच से 3 बड़े चम्मच हम मैदा लेंगे। बिल्कुल वही रेशो आपको बता रही हूँ जो बाजार वाले या जो होटल्स में मंचूरियन आप खाते हैं ना, एकदम टेस्टी लगता है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा आपका मंचूरियन घर में। अब जो नेक्स्ट जरूरी चीज है जो मंचूरियन को देगी बढ़िया क्रिस्प, वो है कॉर्न स्टार्च, जिसे आप कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं। इसी बड़ी चम्मच से बराबर मात्रा में यानी कि 3 बड़े चम्मच हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप यहाँ पर यूज कीजिए अरारोट पाउडर, अगर वो भी ना हो तो फिर जो सेकंड ऑप्शन बचता है फिर है चावल का आटा। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का, ना बहुत ज्यादा पतला ना बहुत ज्यादा
गाढ़ा। और देखिए कलर भी कितना बढ़िया आ गया है बिना कलर डाले। लीजिए हमारा गोभी भी अब हल्का ठंडा हो गया है, ये देखिए। तो इस स्टेज पर क्या करेंगे, इसमें डालेंगे गोभी। इसलिए मैंने आपको बोला ज्यादा मत इसको उबालिएगा वरना ये यहीं टूट जाएगा, बस सिर्फ 60-65% तक। और गोभी डाल करके हल्के हाथ से करेंगे मिक्स। जिस तरह से हमने ये बैटर तैयार किया है, इस तरह की कंसिस्टेंसी होने के कारण गोभी में ये अंदर अंदर लिक्विड चला जाएगा, तो उससे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। लाइट हैंडेड बिल्कुल इसको बढ़िया से कीजिए मिक्स, कि इस पर एक बढ़िया कोटिंग हो जाए कॉर्नफ्लावर और मैदा की। इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच और कॉर्न स्टार्च, और साथ ही डाल देंगे एक बड़ा चम्मच मैदा। इससे क्या होगा ना, गोभी पर जो अभी हमने बैटर तैयार करके लगाया है ना, वो पूरा चिपक जाएगा। उससे क्या होगा, जब आप गोभी को तलेंगे ना, एकदम क्रिस्पी उसकी ऊपर की लेयर आएगी। अब आप गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएं, उसमें डालें ऑयल, और ऑयल को मीडियम फ्लेम पर पहले हम बढ़िया गर्म करेंगे। और ऑयल के गर्म होते ही मीडियम फ्लेम पर एक एक करके गोभी के फूल को डालेंगे, जो भी हमने तैयार करके रखे ना बैटर में। बबल्स आ रहे हैं, परफेक्ट गर्म तेल है, और बिल्कुल लाइट गोल्डन हम गोभी को एक बार फ्राई कर लेंगे। और बस इस तरह से चम्मच से कर देंगे रोटेट, और आप देख सकते हैं कितने सुंदर दिख रहे हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, एक एक पीस देखिए अलग भी हो गया ना। बस इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। एकदम बढ़िया लाइट गोल्डन कलर हमारे गोभी में आ गया है, इसे निकाल लेंगे, उसे पूरी तरह ठंडा होने देंगे। ये कितने सुंदर दिख रहे हैं, ऐसे ही खाने का मन कर जाएगा। लग रहा है ना, थोड़ा सा चाट मसाला डालो और बस ऐसे ही खा लो। लेकिन अभी हमें आगे मंचूरियन बनाना है, तो वो तो और भी टेस्टी बनेगा। तो इसी तरह हम सेकंड बैच के फ्राई करेंगे। अब यहाँ देखिए हमने ये गोल्डन फ्राई किए, अब हम करेंगे इसको फ्लैश फ्राई। लेकिन फ्लैश फ्राई करने से पहले इसको पूरी तरह करेंगे ठंडा। और ये देखिए आप इसके टेक्सचर से ही समझ सकते हैं कि अंदर तक इसमें वो बैटर भी गया है और बहुत मोटी कोटिंग भी नहीं हुई है, यानी पकौड़े नहीं लगेंगे आपको, ये प्रॉपर आपको मंचूरियन का टेस्ट आएगा जिस तरह से हम बना रहे हैं। हाई फ्लेम पर एकदम बढ़िया तेल को गर्म करेंगे, और जब हमारे गोभी ठंडे हो जाएंगे तब ठंडे गोभी हम गर्म तेल में इस तरह से डाल देंगे संभल कर, और बस एक बार करेंगे फ्लैश फ्राई। इससे जो लेयर ऊपर की आएगी ना क्रिस्पी, एकदम वो सॉसेस में डालने के बाद भी सुपर क्रिस्पी भी रहेगी, और जो गोभी है वो अंदर से सॉफ्ट बना रहेगा। बस कुछ सेकंड, और लीजिए हमारा कुरकुरा गोभी है बिल्कुल तैयार। टेक्सचर से ही पता चल रहा है ना, एकदम जबरदस्त क्रिस्पी। और ये देखिए इसकी आवाज, आई ना आवाज, खनकदार कुरकुरा करारा टेक्सचर। सुनिए अपने आवाज, एकदम क्रिस्पी क्रंची हमारे गोभी तैयार हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको ना तोड़कर भी दिखाती हूँ, देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट भी हैं, परफेक्ट, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। अच्छा सबसे अच्छी बात, जैसे ये तो मैंने फ्लैश फ्राई किए हैं, जब हमने पहली बार फ्राई किए थे ना उस स्टेज पर, आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं लगभग 3-4 दिन के लिए। तो जैसे गेट टुगेदर है या कोई पार्टी है, बस उस दिन आप इसको फ्लैश फ्राई कीजिए हॉट ऑयल में, और उसके बाद अपने मंचूरियन आप तैयार कर सकते हैं। अब आप गैस पर रखिए एक बड़ी कढ़ाई या कोई बड़ा पैन, फ्लेम को रखेंगे हाई, और इस स्टेज पर हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच ऑयल। थोड़ा सा फैला कर डालें ऑयल, और एक बार घुमा लीजिए इस तरह से ऑयल को। अब सबसे पहले हमें लेनी होंगी कुछ चीजें, तो उसके लिए मैंने यहाँ ली है 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट है मंचूरियन का। 1 बड़ा चम्मच बारीक चॉप्ड मैंने लिया है अदरक, 1 बड़ी साइज की प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है, 2-3 हरी मिर्च ली है जिसे रफली कट कर लिया, और ये लंबी स्लिटेड मैंने हरी मिर्च 2-3 ले ली है। एकदम चटपटा सा रेस्टोरेंट जैसा बना रहे हैं ना, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें जाएगा चॉप्ड गार्लिक, अदरक, थोड़ा सा सोटे करेंगे कि कच्चापन निकल जाए और बढ़िया सा गार्लिक की फ्लेवर आ जाए ऑयल में। याद रखिए सब काम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि फ्लेम हाई है। और बस इस स्टेज पर 30 सेकंड बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, स्लिट वाली हरी मिर्च थोड़ा बाद में डालेंगे, और बारीक कटी प्याज पूरी इसमें डाल दीजिए। फटाफट से प्याज को भी हाई फ्लेम पर भून लेंगे, कुछ भी चीज लग रहा हो कि जल रही है तो फ्लेम को थोड़ा कम कर दीजिए। और बस 1 मिनट बाद जब प्याज भी अच्छे से भून जाएगी, इसमें हम डालेंगे हमारी स्लिटेड हरी मिर्च, उसको भी इस तरह से थोड़ा सा भून लेंगे। 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे काली मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक, क्योंकि आगे हम सॉसेसेस वगैरह भी डालेंगे ना, उनमें भी नमक होता है, गोभी में भी हमने नमक डाला हुआ है, तो वो देखकर आप डालें, नमक ज्यादा ना हो जाए। साथ ही मैं अच्छे कलर के लिए यहाँ डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आपके पास अगर वो चाइनीज वाली लाल वाली सॉस होती है वो हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, या शेजवान सॉस हो तो वो भी यूज कर सकते हैं, उसका फ्लेवर आपको यहाँ पसंद हो तो। और बस इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, यानी चाइनीज खाने की जान, तो लगभग पूरा 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे। साथ ही बढ़िया फ्लेवर के लिए डालेंगे 2 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस, और मंचूरियन के फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए डालेंगे 3 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप। बहुत बढ़िया लगता है इस तरह से पूरा कॉम्बिनेशन, ये देखिए एकदम बढ़िया दिख रही है ना। तो इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ हरी वाली प्याज, यानी स्प्रिंग अनियन ग्रीन। सॉस हमारी बढ़िया पक गई है, आप देख सकते हैं अभी थोड़ी कॉन्सेंट्रेट है, यानी इंटेंस है फ्लेवर में, तो यहाँ हम डाल देंगे 1/2 कप पानी। पानी डालकर हाई फ्लेम पर थोड़ी देर पकाएंगे,
सॉस एकदम बढ़िया दिख रही है और बेहतरीन, पूरे में गार्लिक की खुशबू हो रही है, मजा आ जाएगा इस रेसिपी की। तो आप जरूर बनाइएगा जिस तरह मैंने आपको बताई है, 100% परफेक्ट बनेगी पहली बार में ही। तो बस इस स्टेज पर, क्योंकि सॉस अभी जो है ना पतली लग रही है, इसको बाइंडिंग कंसिस्टेंसी देने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च, और इसमें हम डालेंगे 3 बड़ा चम्मच पानी और इसका घोल बना लेंगे इस तरह से। अगर ये ना हो ना तो थोड़ा सा मैदा का घोल बनाकर डाल दीजिएगा, तो उससे भी गाढ़ापन आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालें और चलाते जाएं। बाजार में इसी तरह बनाया जाता है, इसलिए मैं बिल्कुल वही तरीका आपको बता रही हूँ। और इस तरह डाल करके मीडियम हाई फ्लेम पर थोड़ा सा पका लीजिए। देखिए एकदम बढ़िया गाढ़ी सॉस हमारी तैयार हो गई है। अपने कुरकुरे करारे क्रंची गोभी हम सारे डाल देंगे। अब गोभी डालकर जरूरी पॉइंट, बस आपको टॉस भर करना है, बिल्कुल भी गोभी के साथ सॉस को ज्यादा पकाना नहीं है, वरना क्या होगा कि वापस से गोभी नरम पड़ जाएंगे। बिल्कुल याद रखिए, किसी भी तरीके का आप मंचूरियन बना रहे हो तो सॉस में बस टॉस कीजिए, उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और लीजिए हमारा मजेदार गोभी मंचूरियन। रेस्टोरेंट स्टाइल है, घर में ही बिल्कुल तैयार और रेस्टोरेंट से कहीं ज्यादा बढ़िया। देखिए आप देख सकते हैं गोभी बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ा है, एकदम ऊपर से क्रंची है। मैंने गैस को बंद कर दिया है। फाइनली थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ग्रीन डाल करके करेंगे गार्निश। और ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि रेस्टोरेंट से बहुत ही बढ़िया, यम्मी डिलीशियस टेस्टी क्रिस्पी क्रंची और सॉफ्ट गोभी मंचूरियन, जिसे बनाते बनाते वक्त तक ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आप इसका एक एक फूल देख सकते हैं, बिल्कुल भी चिपका नहीं है, मैशी नहीं हुआ है, एकदम बाजार की तरह अलग अलग फ्लोरेट्स हैं और बहुत ही यमी ऊपर की कोटिंग है। एकदम ऊपर से क्रिस्पी बना है और अंदर से जब आप खाएंगे ना एकदम नरम, मजा आ जाएगा खाकर, दोनों टेक्सचर आपको मिल जाएंगे इसमें। थोड़ा सा डाल देंगे स्प्रिंग अनियन ग्रीन, ऊपर से गार्निश कर देंगे और करेंगे गर्मा गर्म सर्व। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा रेस्टोरेंट जैसा कॉलीफ्लावर मंचूरियन, यानी गोभी मंचूरियन। अब आप भूल जाइए बाजार का, घर में ही बनाइए, जबरदस्त टेस्टी बनाए फ्रेंड्स। जब आप घर में ऐसे बनाएंगे तो बाजार का तो कभी नहीं खाएंगे। और सच मानिए, जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, सबसे बेस्ट गोभी मंचूरियन आपका बनेगा हमेशा जब भी आप बनाएंगे, और जो भी खाएगा वही तारीफ करेगा। और जरूर बनाइए और मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपको आज की ये गोभी मंचूरियन की रेसिपी कैसी लगी और आप इसे कब बना रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, अपने चैनल कुक विद पारुल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आप देखेंगे रोज रोज नई नई रेसिपीज मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।